हम 30 सूत्री मांगों को लेकर पटना के राम गुलाम चौक से राजभवन तक मार्च निकाला, जहां प्रशासन ने उन्हें जेपी गोलंबर पर प्रतिबंधित क्षेत्र होने की वजह से उन्हें रोक दिया। वहीं युवा प्रकोष्ठ हम के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार शास्त्री ने कहा कि बिहार में लगातार हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं घट रही है और सरकार इस पर लगाम लगाने में असफल है। अगर सरकार इस पर लगाम नहीं लगा सकती तो अविलंब पद से इस्तीफा दे। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ हम लोग आज पैदल मार्च कर रहे हैं। हम लोग पैदल मार्च करके राजभवन में हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। बिहार सरकार का जो नीति है या केंद्र सरकार, जो हम लोग हिंदुस्तान में हम लोग जानते हैं कि दो ही जात है, एक अमीर है और एक गरीब है। लेकिन यहाँ जो केंद्र सरकार जो है, मुख्यमंत्री जो है, खुद को हिंदूवादी बताते हैं और आपस में हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का एक साजिश कर रहे हैं, जो हम लोग सफल नहीं होने चाहिए। हम लोग निरंतर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं CAA के खिलाफ। बिहार में निरंतर जो है हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है। चमकी बुखार में सैकड़ों बच्चिया की जान चले गए, बच्चे की जान चले गए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया, जिसके जिम्मेदारी किन्हीं ने नहीं लिया, न स्वास्थ्य मंत्री ने लिया, न मुख्यमंत्री ने लिया। बाढ़ में सैकड़ों लोग दह करके जो है डूब के मौतें हो गई, उसकी भी कोई जवाबदेही किसी ने नहीं लिया, न कोई सरकार लिया, न कोई मंत्रालय लिया। तो आप देखिए कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। बिजली व्यवस्था जो है चिन्हित करके अभी करीब करीब पूरे बिहार में 1300 ऐसे गांव हैं जहां की बिजली का अभी मुंह नहीं लोगों ने देखा है। इसको मिला जुला करके ऐसे सरकार के जो निकम्मी व्यवस्था है, लगता है कि बिहार सरकार के जो बिहार में कोई किसी को देखने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग आज युवा साथी सब हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं और ऐसी सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। जब तक हम लोग इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। अपना परिचय रविंद्र कुमार शास्त्री, युवा प्रदेश अध्यक्ष, हम सब लोग। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।